क्या आप भी आधार कार्ड बनाने की आईडी की खोज कर रहे हैं, या फिर आधार कार्ड में मोबाइल लिंक का कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस बारे में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे ऑनलाइन सपोर्ट एक्सपर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने की आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट भी हम उसे बोल सकते हैं, तो आखिर ये आईडी होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हम इसको शॉर्ट में UIDAI भी बोलते हैं। UIDAI एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो आधार से संबंधित कार्य कराते हैं, वो हम UIDAI के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत करते हैं। UIDAI के अंतर्गत दो मेजर सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जो कि पहला होता है ECMP, जिसको हम आधार एनरोलमेंट क्लाइंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है UCL, इसका मतलब होता है अपडेट क्लाइंट। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बाकी अन्य जानकारियां जो रेसिडेंट की होती हैं वो बहुत ही कम समय में हो जाती है। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। अब ये आधार का कार्य करने की आईडी हमें मिलेगी कैसे, ये आज के जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये वाला। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में अक्सर आपने देखे होंगे एक बहुत ही लुभावने, जिसको अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट हम बोल सकते हैं, बहुत सारे अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करने की आईडी मात्र 1500 रुपये में। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें, आईडी पाएं मात्र 1000 रुपये में। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें, आईडी मात्र 1500 रुपये में। 50% पैसा पहले, बाकी पैसा आपके आईडी चालू होने के बाद में। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करें, ईमेल आईडी लिंक करें, पहले आईडी पैसा बाद में, या फिर पैसा पहले आधा, आधा पैसा बाद में, इस तरह के लुभावने ऐड हो सकते हैं, आपने भी सोशल मीडिया में देखे होंगे। तो इन इन सोशल मीडिया में जो एड्स चल रहे हैं, इनमें आखिर सच्चाई कितनी है, तो ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ विथ प्रूफ। तो इन विज्ञापनों की सत्यता जांचने के लिए हमने हमारे ही टीम के एक मेंबर्स के डॉक्यूमेंट अरेंज किए और इनको प्रोवाइड किए। इनको हमने ये बोला कि हमें भी ये काम करना है, ये आईडी हमें लेना है, तो हमें इसके लिए जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, जैसा कि इनके जिनके जितने लुभावने इनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उतनी ही लुभावनी इनकी बातें होती हैं। सबसे पहले हमसे बोला गया कि आप पहले बंदे के डॉक्यूमेंट्स आप हमें शेयर करो, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो जैसा कि इन्होंने बोला, हमने चलो ठीक है, बंदे का जो हमारा यूज़र है उसके हमने डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करवा दिया है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में इनका साइड से इन्फॉर्मेशन हुआ कि आपको 50% पेमेंट करना पड़ेगा। क्यूआर कोड हमें दिया गया कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आप 50% पेमेंट करो, इसको स्कैन करके पेमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दो। तो हमने वैसा किया दोस्तों। पैसा देने के बाद में जब हमने इनसे संपर्क किया, तब इन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आईडी क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते होंगे, आपको चैट में भी दिख रहा होगा, इनके कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हम यहाँ पर वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, जिसको आपको इसमें पूरा लाइव आपको हम प्रूफ दिखा सकें जितना पॉसिबल हो रहा है। हम यहाँ पर प्रूफ अटैच कर रहे हैं। तो पैसा देने के बाद में इन्होंने काफ़ी टाइम हमें इंतजार करवाया, सर्वर में दिक्कत है, ऐसा है वैसा है। तो बात फिर नेक्स्ट डॉक पर पहुँची। अगले दिन जब हमने इनसे दोबारा संपर्क किया कि सर आपको पैसा दे चुका है, अब कृपया आईडी चालू करवाएं हमारा, तो इनके साइड से एक और नया इन्फॉर्मेशन आता है कि आपको इसमें बैलेंस रखना पड़ेगा, जो कि आपके वॉलेट से कटेगा, तो वो उसके लिए आपको 1000 रुपये और देना पड़ेगा, जो कि आपके वॉलेट में रहेगा। उसमें मोबाइल नंबर जो आप वेरीफाई करोगे, आपका ये ऑपरेटर का, वो मोबाइल नंबर का एक OTP आएगा, उसका इन्होंने बोला कि 250 रुपये आपके वॉलेट में से कटेंगे, जो कि आपको 8-10 दिन में रिफंड हो जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, ओके।
तो हमने इनको फिर टोटल 1500 का पेमेंट और किया। सेकंड पेमेंट जो था वो हमारा 1500 का अमाउंट था, हमने इनको स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। फिर हमने जब इनसे संपर्क किया, सर अब तो हमने आपको आईडी का भी पैसा दे दिया है, बैलेंस ऐड करने के लिए पैसा दे दिया, अब तो हमारी आईडी चालू करो। तो फिर इन्होंने बोला कि सर अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर का इश्यू चल रहा है, कल संडे है तो होपफुली ये मंडे को चालू होगा। तो जब नेक्स्ट डे जब संडे था, जिस दिन इन्होंने बोला था कि छुट्टी है, उस दिन इनका एक और मैसेज आता है कि सर इसमें जो आपने बंदे का आप डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, इसमें एक इनकम टैक्स का भी इसका फाइल बनेगा, उसका एक अलग से चार्जेस मांग रहे हैं ये, 925 रुपये बोल के बोले हैं कि आपको और डालना पड़ेगा। तो हमने जब इनसे प्रॉपरली पूछा कि आप इसमें इनकम टैक्स का कैसे, क्योंकि जहाँ तक हमें एहसास तो पहले ही था कि ये फ्रॉड है, बट हमें हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं था, तो इसके लिए हमने इनका पेमेंट भी डाल के देखा कि चलो ठीक है करके देखते हैं, कुछ पैसा फंसा के देखते हैं कि अगर कि ये आखिर चीज़ क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये आखिर कर कैसे रहे हैं, कुछ सर्वर हैक करे हैं, यूआईडी के साइड से क्या करके रखे हैं, तो वो हमें भी समझना था। तो जब हमने इनसे थोड़ा सा कड़क होकर पूछा कि आप ये किस चीज़ का पैसा मांग रहे हो, इसमें इनकम टैक्स का क्या चीज़ है, इनकम टैक्स तो बंदा जब रिटर्न फाइल करेगा उसमें अपनी जानकारी देता है, आप क्या करे हुए इसके लिए। तो इतना जब हमारी चर्चा हुई तो जिसका कोई वो उचित जवाब नहीं दे पाए हैं, और ये बोल रहे थे कि एक काम करो आप 925 आप नहीं कर पा रहे हो, आप एक काम करो 500 रुपये कर दो। तो सीधा सीधा बोलने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट लेकर आपको एक झांसे पे झांसे दिए जा रहे हैं। तो इस आईडी का जो भी रिजल्ट हुआ है, इन एडवर्टाइजमेंट का जो भी रिजल्ट है, वो अब आपके सामने है कि ये पूरी तरीके से फर्जी है, फ्रॉड है। मेरी आपकी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने हार्डली अर्ड मनी को ऐसे वेस्ट ना करें, इन लुभावने एडवर्टाइजमेंट में इन फ्रॉडस्टर्स को अपना ये कीमती पैसा बिल्कुल ना दें। तो हमारी जो फेसबुक ऐड पर जो हमें नंबर मिला था, वो नंबर था 8945014727। इस नंबर पर हमारी जो भी व्हाट्सएप चैट थी उसका स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो एक क्यूआर कोड दिया हुआ था, जो स्कैन करने पर जो हमारा पेमेंट गया हुआ है 2000 रुपये का कुल, वो गया है उसमें जब इन्फॉर्मेशन आ रहा था सोनालिका बर्मन के नाम से आ रहा है, और जबकि उसमें कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है जिसके लास्ट में है 5220। तो मित्रों ध्यान रखें, इन तरह के फ्रॉडस्टर से बचें और अपने प्रियजनों को भी बचाएं, क्योंकि हमने तो अभी आपको सिर्फ एक ही नंबर बताया है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से, काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप सभी को जानकारी होगी, तो अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है अलग अलग नंबर भी मिलेंगे, लेकिन एड्स एक ही तरह के होंगे। मोबाइल नंबर लिंक करने की आईडी 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में, इस तरह के एड्स आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मोबाइल नंबर्स के साथ दिखाई दे सकते हैं। तो यदि आप आधार कार्ड बनाने का या अपडेट करने का काम करना चाह रहे हैं, मोबाइल लिंक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए है, ईमेल आईडी का कोई सॉफ्टवेयर आप अपडेट करने के लिए देख रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया के एड्स पे भरोसा ना करके कृपया यूआईडी की ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाएं, जो कि आपको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो uidai.gov.in के नाम से दिखाई देगी। तो यूआईडीएआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप प्रॉपरली पड़ताल करें कि कौन सी एजेंसी, कौन सा रजिस्ट्रार है जो ये काम प्रोवाइड करवा सकती है, उन्हीं से संपर्क करें। सोशल मीडिया में फ्रॉडस्टर बहुत हैं, आपको पहले बोला जाएगा 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, और धीरे 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 करके इनका लालच ख़त्म नहीं होता है। हमारा तो 2000 रुपये गया है, अब आगे हमारी गुजारिश यही है लोगों से कि आप अपना पैसा व्यर्थ ना करें। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि लोगों को पता रहता है कि फ्रॉड हो सकते हैं, डाउट रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आधार कार्य का काम करने की लालच में लोग इनको मुंह मांगा दाम धीरे 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 देते जाते हैं, जो कि पूरा व्यर्थ हो जाता है। तो कृपया अपनी समझदारी से काम करें, अगर आपको कुछ ऐड दिख रहा है तो आप अपनी समझदारी से उस पर ध्यान देकर आपको क्या करना है, पैसा देना है नहीं देना है, पैसा आपका है, चीज़ आपकी है, डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आप चाहें तो दें, हमारा काम था आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करना। मित्रों अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा कर कर
आप भी कभी अपना पैसा व्यर्थ कर चुके हैं तो कृपया वो मोबाइल नंबर, वो लिंक कमेंट करें जिससे बाकी लोग अपना पैसा बचा सकें और हमें भी मदद मिले कि हम उन वेबसाइट पर जाकर, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर वो एड्स को रिमूव करवा सकें। इस मुहिम को पूरा करने में आपका सहयोग हमें प्रदान करें। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि आधार का कार्य जल्द ही निजी एजेंसियों के पास आने वाला है, तो मार्च में हो सकता है कि ये निजी एजेंसियों तक पहुँच जाए, तो इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी निजी एजेंसी वेंडर से कनेक्टेड हैं, तो हम भी आपको काम दिलाने में सहयोग करेंगे। मित्रों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट लिंक्स बता रहा हूँ जो कि हमारे ही वेबसाइट के हैं, और इस पर जाकर आप आधार से रिलेटेड अगर आपको कोई ड्राइवर चाहिए है तो आप बिल्कुल फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि हमारा पहला लिंक है https://oxpert.in/downloads। इस पर जाके आप फ्री में अपने बायोमेट्रिक डिवाइस के ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आधार से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड डिवाइस आपके हो सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा लिंक है https://oxpert.in/web-store। इस लिंक पर जाकर आप आधार से रिलेटेड बायोमेट्रिक डिवाइस, लैपटॉप खरीद सकते हैं, और बैंकिंग डिवाइस में भी आपको मिल जाएगा सिंगल फिंगर स्कैनर, RD सर्विसेज, थर्मल प्रिंटर, ये सब उपलब्ध हैं, और हमारे यहाँ से पैन इंडिया डिलीवरी भी उपलब्ध है। हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को तुरंत सेव करने के लिए कृपया इस कोड को अपने मोबाइल फ़ोन में स्कैन करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे के जो भी अपडेट्स हों आधार से रिलेटेड, आधार के न्यूज़ से रिलेटेड, तो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, वो आपसे बात हो रहा था व्हाट्सएप पर, तो जी 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 बोलो। वो जो डेमो आप दिए थे वो डिलीट कर दिए थे क्या? वो गायब दिख रहा है उसको। डेमो था, हाँ वो टाइमिंग हाँ। एक होता है, एक डिलीट हो गया। और ऐसा अच्छा। कि हम लोग वीडियो देते हैं ना, कोई बंदा हमारा वीडियो लेके फ्रॉड कर रहा है नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खुद के कंप्लेंट कस्टमर हैं, तो मैं अपने ही कस्टमर तक रखूंगा, कोई नहीं जा रहा है वो, और मेरे साथ कर क्या? रहा है ना हम लोग का, उसीलिए। नहीं नहीं मेरे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे साथ क्या एक आदमी नहीं है, मेरे पास 10-15 लोग हैं, तो वो जैसे जैसे आते वैसे वैसे मुझे देना होता है ना। आज देखते हैं हम लोग आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करते हैं, वो आप डेमोग्राफी वीडियो बनाते हैं। चलो हम लोग मैंने आज के हमें देखो कीभे आधार कार्डे मोबाइल नंबर लिंक करते हुए बट वोटार हमें डेमो बनाब। यही एप्लीकेशन टी पाठानो हो बट ये एप्लीकेशन आपको भेजा जाएगा जब आप हम लोग से आप आईडी लेते हैं। तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन कर ले तो इस तरह आपको इंटरफेस दिखाई देगा, तो इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक करने मतलब आईडी है, और नेक्स्ट टाइम में और कुछ अपडेट होगा इसमें। आईडी का फर्स्ट स्टेप तो ऑपरेटर आधार, इसमें ऑपरेटर और बायोमेट्रिक्स, इसमें अगर आप आईडी लेते हो तो आप ऑपरेटर होगे, तो फिलहाल मैं ही ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर का आधार नंबर देके ये आईडी लॉगिन होगा, ओके। और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, इसमें अगर आप ऑपरेटर आधार नंबर देते हो तो चलो मेरा आधार नंबर देके बायोमेट्रिक्स देता हूँ, और बायोमेट्रिक्स सबके पास होना, अवेलेबल होना चाहिए। मेरा पास अभी मंथरा है। चलो इसको अभी आगे का स्टेप देखते हैं, मतलब आगे का मतलब स्टेप कैसे करते हैं वो देखते हैं। जब आपका आधार देके ऑपरेटर का मतलब सर्च करोगे तो इस तरह होम पेज निकल के आएगा। देखिए यहाँ मिडिल में दिखाई दे रहा है मतलब मोबाइल अपडेट, इसमें आप कोई भी कस्टमर का आधार नंबर में आप अपडेट मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो तो इसमें जाके आपको ऐड करना है। चलो इसको ओपन करके देखते हैं। जब आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक करोगे तो इंडो ऐसा आ जाएगा जो कैप्चर फुलफिल कर लेना है, और जिस कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड करोगे तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, जो जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। चलो चलो इसको फुलफिल करके हम लोग आगे का स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऐसा आ जाएगा, रेसिडेंट आधार, ऑपरेटर आधार, तो जिस कस्टमर का आप मतलब लिंक करना चाहोगे उसका आधार देना पड़ेगा, उसका आधार देके उसको बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा, और ऑपरेटर आधार की देना पड़ेगा। और जिस नंबर पे आपने कस्टमर का नंबर दिया वो ऑटोमेटिकली ओटीपी आ जाएगा, और ईमेल भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ओके। और मेरा पास अभी फ़िलहाल कस्टमर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं आगे का स्टेप नहीं बना पा रहा हूँ, तो आई होप आप समझ लोगे। तो इसी तरह आप मतलब आईडी मतलब मोबाइल नंबर लिंक क्या मतलब कर सकते हो आप लोग।
तो आईडी लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी आपको आईडी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से। थैंक यू। तो वो एक बार दोबारा से भेज दो। और दूसरा एक चीज़ ये बोल रहा हूँ, ये मतलब आईडी तो मिल जाएगा एक घंटे में, वो तो मैं समझ गया हूँ, ठीक है, लेकिन वो कब तक चलेगा? मतलब ऐसा ना हो एक महीने बाद बंद हो जाए, दो महीने बाद बंद हो जाए, ऐसा कुछ है? लाइफ टाइम चलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो डायरेक्टली कॉल करना आपको, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व कर देंगे। हेलो सर, देखा क्या? हाँ भैया, कस्टमर को बोल दीजिएगा मंडे को होगा, सब पूरा डाउन चल रहा है अभी, वो नहीं हो रहा है। अरे यार, वो तो गाली बकरा है मुझे, भयंकर भयंकर टाइप से गुस्सा कर रहा है वो मेरे ऊपर। हाँ बोल दीजिए मंडे को होगा, कल तो ऐसे ही छुट्टी है। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, कल मैसेज आया था कुछ इनकम टैक्स का, आप बोल रहे हो? हाँ, वो 950 रुपया देना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि वो ऐसा चल रहा ना आईडी का, पहले इनकम टैक्स नहीं करना पड़ता था, हो जाता। अभी जिस जिसने आईडी लिया ना उसी के नाम से तो नहीं। तो अभी मैंने जो आपका मैसेज देख के मैंने बात की थी बंदे से, तो वो तो गालियां दे रहा है मुझे, बोल रहे ये सब चीजें आपको पहले बतानी चाहिए थी, वो पैसा देने से मना कर रहा है, क्या करूं मैं, आप बताओ। उनका फोन नंबर पे फोन किया था, वो कौन उठा रहा है? अच्छा ठीक है, तो आपको वही कस्टमर को हमारा नंबर दे दीजिए, बात कर लूंगा डायरेक्ट। हाँ समझ लूंगा उनको। नहीं वो तो फाइल करके रखेगा तो, क्योंकि बाद में कोई परेशानी नहीं बनना पड़ेगा। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम हो जाए तो। मेरी बात तो सुनो, मैंने आपको पहले बोला था मैं डीलर हूँ, मेरे पास अभी 5 लोग और खड़े हैं पेमेंट लेकर, ठीक है, इन 5 को आएगा तो मेरे पास कंटिन्यू आती रहने हैं लोग। अभी मैंने बस लास्ट से यही प्रॉब्लम आ गया ना, ऐसी वही नहीं लगेगा ज्यादा। हाँ, 2-3 घंटे वो चीज मैं समझ रहा हूँ आपका, लेकिन आप थोड़ा मेरा बात को समझो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो मैंने 2 बार उससे पैसा ले लिया, पहले उसका आईडी का ले लिया 500 रुपया आप जो बोले, फिर आप बोले बैलेंस डलवाना है उसका ले लिया, अब मैं उसको इनकम टैक्स का बोल रहा था तो गालियां वगैरह है, बोला आप कर क्या रहे हो करके। ये तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सुनो तो बात सुनो। जो नया आईडी लेना उनको डायरेक्ट बोल देना उनका 3000 रुपया खर्चा पड़ेगा, 1000 रुपया। मेरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस बंदे का आईडी चालू करा दो, जो बाकी के 5 बंदे हैं ना उसमें मैं इसका पेमेंट एडजस्ट करवा दूंगा आपको, वो उनका पैसा रेडी रखा है। हाँ सर, तो मान ही नहीं पड़ेगा, तो भी तो नहीं मैं करके तब बारीक वो मैं समझ रहा हूँ, बस बोलना मेरा यही है, इसका आप करवा दो, जैसे जैसे इसका आईडी चालू हो जाएगा ना तो जो 5 बंदे हैं वो तुरंत रेडी खड़े मेरे पास में, तो उसमें पेमेंट एडजस्ट करा दूंगा, जो 925 आप बोल रहे हो वो मैं करवा दूंगा, इसका टेंशन ना लो आप, बस इसका एक बार आईडी चालू करवा दो आप। सर आपका तो बात समझते हैं हम लोग ना, बट हमारा जो डीएम है जो सर आपका कहेगा काम ना वही नहीं मान रहे ना, नहीं प्रॉब्लम खराब हो चुका है, और नई इनकम टैक्स कराएगा तो बाद में उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है, आधार का काम करेगा नहीं तो मैं मानूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल जो 925 का है तो वो तो आप या तो आप एडजस्ट कर लो, या आपके ऊपर में ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं अगर मुझे पैसा नहीं देना होता तो मैं आपको 2000 भी नहीं देता, अगर मुझे खाने ही होता तो ठीक है, 2000 अगर मैंने दिया तो कुछ काम के लिए दिया होगा ना मैंने आपको। ठीक, एक काम करो आप 500 रुपया दो और 900-725 हम एडजस्ट करते हैं। मैं आपसे जैसा जेब से कैसे दूं, बंदा मुझे 1 रुपया देने को तैयार नहीं हो, जिससे जिसकी आईडी बन रही है अभी, आप करवा दो 925 में आपको एडजस्ट करवा दूंगा, पूरा 925 ही दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। बस वही है कि ये आईडी चालू हो जाए ना तो जो 5 लोग का रेडी रखा है वो उनका एग्री हो जाएगा, अभी मुझे उनने पैसा तो दे दिया है बट अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जब वो इस बंदे का काम देखेंगे ना तब वो ग्रीन सिग्नल देंगे कि हाँ आप हमारा भी करवा दो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इसका आईडी आज चालू हो जाता है तो मान के चलो शाम तक या कल सुबह तक उनका भी हो जाएगा, तो मैं उनका पैसा आपको दे दूंगा, उसमें एडजस्ट करवा दूंगा। बात समझ रहे आपका, एक काम करो ना कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करने बोलो, उनको समझा देंगे। कस्टमर बिल्कुल मूड में ही नहीं है, वो तो मुझसे बोला आप तो कैंसिल करो रिफंड करो, वो तो मैं अपनी साइड से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं जब मैंने 925 बोला ना वो तभी मेरे ऊपर चढ़ बैठा था कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रिफंड कर दो, लेकिन आप हमारे में क्योंकि मेरे पास क्या बहुत सारे लोग हैं, मैं भी चाहता हूँ आपसे आगे बिजनेस लेकर रखूँ करके, मैं आपसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल ऐसा मान के चलो कि वो आग पे सवार बैठा है, वो आग लेके बैठा है। ठीक है, एक काम करो आप ना, आपका तरफ से 500 रुपया चलवा दो, हम इधर से 725 चला देते, क्योंकि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे पास भी इतना नहीं है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, मेरा मतलब ये मान के छोटी मोटी नौकरी में हूँ मैं, यहाँ पर कोई हेड नहीं हूँ, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैं भी करूँगा ना तो पहले मुझे अभी अपनी कंपनी से मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो आपको पता है तो उसमें वो जमाने भर की वो रहता है, बिल लगाओ ये करो वो करो, बिल विल अपना सिस्टम है नहीं कुछ,
ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कस्टमर से मेरे अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो लेता हूँ और वो डायरेक्ट आपको दे देता हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, अभी दूसरी बात ये है कि अब ये आगे ये पैसा देंगे तो उसको बंदे को मैं बोल रहा हूँ तो वो तो सुनने के मूड में है ही नहीं बिल्कुल। तो बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसका आप चालू करवा दो, अभी फिलहाल आप ले लो करवा। हम भी क्या कर सकते हैं ना, हमारा जो जो है बॉस बैठा हुआ तो नहीं कर सकते ना, वो क्योंकि हम ही को करना कुछ पड़ेगा ना, तो वही बोल रहे हैं आप 50% दे दीजिए मैच करके आपका, आपका जो है वो मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन देखो अभी जब हमारी पहली बात हुई थी आप बोले थे सिर्फ आईडी लेनी है 1500 रुपए में, ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपने बोला कि अब उसमें बैलेंस लगेगा, अब आप बोले इनकम टैक्स लगेगा, तो सामने वाला बिल्कुल चढ़ा बैठा है मेरे ऊपर, आप मानो मेरी बात। एक काम कीजिए ना, उनको मेरा नंबर दीजिए, कॉल करने बोलो उसको, मैं समझा के बोल देता हूँ बंदा नंबर तो, वो मैं बता रहा ना वो बहुत थर्ड चीप लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो मैं चाहूंगा नहीं कि वो आपके साथ वैसी बात करे। नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा के बोलेंगे, क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि हम भी ऐसे कर देंगे तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ना तो समझेगा वो इसलिए नहीं क्योंकि 2-3 बार उसके साथ स्कैम हो चुका है ऐसा, ठीक है, कहीं वो एडवर्ट देख के पैसा दे चुका है तो वो बिल्कुल चढ़ा बैठा है। वो तो कल जब मैंने इनकम टैक्स का पैसा की बात की ना 925 रुपए जो आप बोले, तो बिल्कुल चढ़ बैठा, बोला आपसे नहीं हो रहा, आप रहने दो, पैसा मेरा रिफंड कर दो, नहीं करना है मुझे। सर एक काम कीजिए भैया, आप तरफ से चला दीजिए 500, मैं 10 मिनट कर रहा हूँ 425 रुपये। चलो एक काम करो ना, सुनो तो आप मेरी बात सुनो, अभी तो मैं ऑफिस पहुंचा नहीं हूँ, आप अभी 500 लगा लो अपनी जेब से, ठीक है ना, मैं ऑफिस पहुंच के एक बार अप्रूवल लेके वो करवा देता हूँ, एक बार मुझे इसके सिर्फ 2-3 एनरोलमेंट हो जाए ना मैं करवा दूंगा, उसका टेंशन ना लो आप। सर इतना तो अमाउंट मेरा पास भी नहीं है ना, हमारा भी तो किसी के अंडर में तो काम कर रहा हूँ ना सर, क्योंकि आपका ही तो आप मेरा मेरा स्पॉन्सर से आईडी आप ली हो इसलिए आपको वही बोल रहा हूँ। नहीं तो मेरा एक बार आप उनसे डिस्कस करवा दो, क्योंकि देखो अगर मुझे नहीं देना होता तो मैं 2000 भी नहीं देता ना आपको, भले मैंने स्प्लिट करके दिया पेमेंट आपको, लेकिन मैं उतना भी नहीं देता अगर नहीं देना होता तो। पैसा पैसा होता है, 1 रुपए हो तो 2000 हो तो ठीक है ना, किसी का पैसा वेस्ट होगा हमें भी नहीं अच्छा लगेगा ना, तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है, या तो आप मेरी चर्चा करवा दो, आपके ऊपर मैं कौन है मैं बता देता हूँ उनको, समझा देता हूँ, ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, आप कस्टमर को नंबर दीजिए, उनको कॉल करने बोलो, हाँ उसको बोल देता हूँ। अच्छा चलो एक बार मैं बात करता हूँ, ऑफिस मैच को डिस्कस कर रहा हूँ क्या बोल रहा है, फिर मैं एक बार कॉन्फ्रेंस में भी लेता हूँ आपको, ठीक है। हाँ।